हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सहित वाच्य के बारे में कि वाच्य एसआई में कम से कम दोस्तों एसआई के अंदर एसआई इस वाच्य के कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में वाच्य के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम इन 3 से 4 क्वेश्चनों को बहुत इजी है तर तो दोस्तों इसे छोड़े क्यों, जब 2 मिनट का काम 2 मिनट के अंदर आपके 3 से 5 नंबर के बीच में अगर नंबर आते हैं तो दोस्तों आपको पता है, तो उन्हें क्यों छोड़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वाच्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको आने वाले जो राजस्थान के एग्ज़ाम है जिसमें भी एसआई जैसे एसआई में जैसे इस जिसमें भी हिंदी का एक हिंदी आएगी, जैसे जीडी हो गई, एसआई हो गई, ऐसे रीट हो गई, इन सभी में आपको दोस्तों बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कौन सा, वाच्य का। तो वाच्य के बारे में पहले जान लेते हैं कि वाच्य क्या चीज़ है। तो दोस्तों, वाच्य में प्रयुक्त या वाक्य में प्रयुक्त रूप, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप, ठीक है, क्या रूप, क्रिया रूप, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने के लिए या कराने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं दोस्तों, वाच्य। समझ में आया कि जिसमें जिस क्रिया का रूप यानी कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो उसे बोध कराने वाले जो कारक होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य या वाच्य कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, वाच्य। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है दोस्तों कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों वाच्य। तो दोस्तों, इसका पहला आंसर है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इससे कि इनमें से कौन सा वाच्य नहीं है, तो 3 तो दे देंगे ये और 1 दे देगा अलग हटके। तो ये दोस्तों याद कर लेना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ये क्वेश्चन एसआई के पेपर में भी आपको जो भी सॉल्व करते होंगे पेपर उसमें आपको देखने को मिलेगा, या आप जिसके में जैसे रेट के पेपर हल करते हो तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे, और आप अगर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये क्लियर कर लीजिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अब इसको देखिए, कर्तवाच्य क्या चीज़ होती है। तो कर्तवाच्य के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का, किसका, क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध किससे होता है दोस्तों, कर्ता से होता है। ये दोनों चीज़ें आ रही, क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से, ठीक है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, कि जी क्रिया वही होगी जो कर्ता होगा। जैसे लड़का दूध पीता है तो लड़का क्या है दोस्तों, कर्ता हो गया, ठीक है, क्रिया क्या है इसमें, पीता है, तो इसी के हिसाब से ये क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो अर्थात ये हो गया, क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, प्रधान संबंध कर्ता से होता है, ठीक है, अर्थात क्रिया लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, लड़कियाँ दूध पीती है, क्या करती है लड़कियाँ, दूध पीती है, तो लड़कियाँ, लड़कियों के हिसाब से किस क्रिया का हुआ, पीती है, किसका, पीती है, हो गई, ये भी समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या करता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका भी सीधा सा है, क्रिया का संबंध पढ़ता है सीधा, कर्ता का संबंध क्रिया से पढ़ता है, ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है दोस्तों कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य की क्या खासियत है, कर्मवाच्य की दोस्तों खासियत है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, किससे, ना कि कर्ता पे, कर्ता का असर नहीं होता उस पर, किसका असर होता है दोस्तों, किसका, कर्म का असर होता है, ना कि क्रिया का, वो कर्ता का असर नहीं होता है, किसका असर पड़ता है क्रिया पर, कर्म का असर पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल बताऊंगा, पहले इसे पढ़ लेते हैं, अर्थात क्रिया की लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर, कर्ता के अनुसार उसका वो नहीं होगा, लिंग वचन नहीं होगा, तो किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, राम ने चाय पी, क्या की, राम ने चाय पी, तो राम एक पुरलिंग है, ठीक है, लेकिन चाय पी, पी एक स्त्रीलिंग वर्ड है, क्या है, पी एक स्त्रीलिंग वर्ड है, किसके हिसाब से आई है, तो कर्म क्या है, कर्म चाय, तो चाय तो क्या हो गया, कर्म, ठीक है, तो कर्म के हिसाब से क्या हुई, पी, पी, तो ये हो गया कर्म के हिसाब से ही क्रिया
का निर्माण हुआ है और कर्ता क्या है? राम। तो ऐसे तो क्या आना चाहिए? पिया। लेकिन क्या हुई? राम ने चाय पिया तो नहीं हुआ ना। तो ये इसका संबंध समझ लीजिए दोस्तों कि कर्म से होगा। क्रिया का संबंध किससे होगा? कर्म से, कर्ता से नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, क्लियर हो गया? मेरे को पता है ये क्लियर समझ गए होंगे। सीता ने दूध पिया, ठीक है, किसने किया? सीता ने दूध पिया। तो किसने पिया? सीता ने। अगर यहाँ पे पिया है, पिया दूध, तो यहाँ पे पुल्लिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दूध के हिसाब से ही ये क्रिया का निर्माण हुआ है, ना कि सीता के हिसाब से क्रिया आई है। ये तो कर्ता हो गया, तो ये तो इसके हिसाब से क्रिया न आकर किसके हिसाब से आई है? इसके हिसाब से आई है, कर्म के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फिर है नेक्स्ट, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। जाती है किसके द्वारा? पुस्तक, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसका भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कर्मवाच्य की दो स्थितियाँ होती है दोस्तों। कर्मवाच्य की दो स्थितियाँ कौन कौन सी होती है? कर्तायुक्त कर्मवाच्य। क्या हो गया? कर्तायुक्त कर्मवाच्य। जैसे जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो, कर्ता अगर विद्यमान हो तो कर्तायुक्त कर्मवाच्य कहलाते हैं। अगर कर्ता विद्यमान हो तो उसमें क्या होता है? कर्तायुक्त कर्मवाच्य कहलाते हैं। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, तो इसमें कर्ता भी है और कर्म भी है, तो दोनों उपवाक्य हैं। तो कर्ता कर्म दोनों ही दोनों है ना, इसमें कर्ता युक्त कर्मवाच्य कहलाते हैं। ठीक है, कर्ता विद्यमान हो। ठीक है, फिर है ये बोल रहा है, नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोजी ने दूध पिया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए। और एक दूसरा हो जाता है कर्ता रहित कर्मवाच्य। किसका? कर्ता रहित कर्मवाच्य। जैसे जिसमें अगर कर्ता नहीं हो, वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, यानी कर्ता उसमें उपस्थित नहीं हो। तो ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक और अध्ययन हो गया, या एक और अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर क्या चल रहा था? मेच चल रहा था। तो कर्ता नहीं, ओनली किसके हिसाब से आया? कर्म के हिसाब से। तो अब भाववाच्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भाववाच्य में देखिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वह भाववाच्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आप पूरी परिभाषा समझ जाओगे। देखिए, इसमें देखो कि आँखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। किसके कारण? किसके कारण नहीं पढ़ा जाता? ये एक भाव प्रदर्शित कर रहा है कि आँखों में दर्द होने के कारण क्या हो रहा है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, नानी से चला नहीं जाता। तो ये एक भाव, भाव पर असमर्थता का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसकी क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार, बल्कि किसके अनुसार होती है? असमर्थता के भाव के अनुसार। जैसे आंखों में दर्द है, किसके कारण? दर्द के कारण, यानी असमर्थता है। असमर्थता के कारण क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पढ़ा नहीं जाता। तो असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे इसमें नानी से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता असमर्थता का भाव है, तो इसमें भी क्या हो गया? भाववाच्य। ठीक है, कबूतर से उड़ा नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता, ये भी एक असमर्थता का भाव है। क्लियर। अब मैं आपको एक कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, पहले कर्मवाच्य, कर्तवाच्य आप जान गए होंगे कि कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। तो वह पत्र लिखता है, ठीक है, क्या हो गया? वह पत्र लिखता है, ये तो आप जानते हैं कि ये कर्तवाच्य है। एक एग्जाम्पल दूंगा फिर मैं आपको कि इसे अब आपको क्या बनाना है, कर्मवाच्य किसके हिसाब से बनाना है? कर्मवाच्य के हिसाब से। तो दोस्तों, इसका कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करेंगे? उसके द्वारा, वह पत्र लिखता है, अब इसका क्या हो जाएगा कर्मवाच्य? उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। किसके द्वारा? उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ये क्लियर कि इसका अगर कर्मवाच्य पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, तो किसके द्वारा? द्वारा लगा देना, द्वारा पत्र। ठीक है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, जॉन ने पुस्तक पढ़ी, क्या हुआ? जॉन ने पुस्तक पढ़ी। ये अलग है दोस्तों, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे डेस गलत है, यह आना चाहिए डेस। अब इसमें देखिए, जॉन ने पुस्तक पढ़ी, क्या किया? जॉन ने पुस्तक पढ़ी। तो इसका अब हमें कर्मवाच्य बनाना है, तो क्या किया करेंगे अपन? इसको मत देखिए, अगले वाले को दो मिनट के लिए आप ऐसे करो कि इसको देखना बंद कीजिए, इसको मत देखिए। अब आप अपने हिसाब से बनाइए कि जॉन ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या करोगे आप? जॉन द्वारा, मैंने कहा था द्वारा लगा देना, जॉन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या हुआ? जॉन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो गया इसका आंसर, जॉन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, अब मैं एक आपको बताता हूँ, इसको मत देखिएगा, अब आप हल करके देखो एक मिनट। आप कलाकार मूर्ति बनाता है, क्या करता है कलाकार? मूर्ति बनाता है, ये आपके कर्तवाच्य है। ठीक है, अब इसमें देखो आप बताइए कि ये कर्तवाच्य तो इसका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? कलाकार द्वारा, क्या हुआ? कलाकार द्वारा मूर्ति, या कलाकार द्वारा मूर्ति बनाई जाती है, ऐसे समझ लेना, कलाकार द्वारा मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, ये दोस्तों ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपने, देखो और एग्जांपल है दो तीन, उसको भी देख लीजिए। देखो, राम विद्यालय जाता है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है। रानू पत्र लिखती है, रानू द्वारा पत्र लिखा जाता है। चलो चलें, तो दोस्तों क्या होगा इसको? चलो चला जाए। ठीक है, तो ये हो गए सारे एग्जांपल, इसको भी कंटेस्ट कर लेना दोस्तों, ये क्या पता सीधा ही आ जाए आपके। तो चलो चलें, इसका क्या हो जाएगा? चलो चला जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, जो कर्तवाच्य हैं, क्या है दोस्तों? जो कर्तवाच्य हैं, जो कर्तवाच्य हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको कि कर्तवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। देखिए, कर्तवाच्य में जैसे आपको दिया है, मैं अब चल नहीं पाता, क्या है? मैं अब चल नहीं पाता। तो दोस्तों इससे याद रखना कि मैं अब चल नहीं पाता यानी मुझसे अब चला नहीं जाता, क्या है? मुझसे अब चला नहीं जाता, ये है भाव, क्या प्रकट कर रहा है? भाव। ठीक है, भाव प्रकट कर रहा है, मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, देखिए, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, क्या करते हैं गर्मियों में लोग? बहुत खूब नहाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? गर्मियों में खूब नहाया जाता है, क्या कराया जाता है? गर्मियों में खूब नहाया जाता है, ये भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वे गा नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते? वे गा नहीं सकते, तो इसमें क्या हो जाएगा? उनके द्वारा या उनसे गाया नहीं जा सकता, क्या होगा? उनसे गाया नहीं जा सकता दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों इसके एग्जांपल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, उसको आप हल करना और आंसर की तलाश करना। तो इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसको फिट कर लेते हैं पहले, जिसको आपको तकलीफ़ ना हो। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि कृतिका, एक मिनट, हाँ, कृतिका पुस्तक पढ़ रही है, कृतिका पुस्तक पढ़ रही है, इसका आपको क्या करना है? कर्तवाच्य से आपको क्या बनाना है? कर्मवाच्य रूप होगा, क्या रूप होगा इसका? तो आपके पास ऑप्शन चार है, देखिए, पहले तो कृतिका पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, तो इसका देखो पहले ये होगा क्या? कृतिका ने पुस्तक पढ़ी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, कृतिका से पुस्तक पढ़ी जाएगी, कृतिका से पुस्तक पढ़ी जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। आगे देखिए, कृतिका द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, किसके द्वारा? कृतिका द्वारा, तो मैंने पहले ही बताया था किसके द्वारा? कृतिका द्वारा, तो इसका आंसर ये आंसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे करके सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा, पढ़ी जा रही है, ठीक है, और चौथा, कृतिका के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, जाएगी नहीं होगी, जा रही है, ठीक है, प्रेजेंट में है इसलिए। तो आपको आंसर मैंने बता दिया है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक क्वेश्चन लिख लेना, मैं लिखा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कि निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है, किसका? कर्मवाच्य का उदाहरण है, सांस लिख लीजिएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण है, पहला ए है, सांस लड़ नहीं सकी, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, तीसरा है कलाकार मूर्ति गढ़ता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और इसका सही आंसर बताइए, और हमें कमेंट करिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।